हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटीपी क्लासेस। और मैं सुनील कुमार सिंह लेकर आया हूं आपके साथ एक अलजेब्रा का पार्ट 4। ठीक है, और जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था आपको, जो कि था कुछ इस तरीके से, x प्लस 1 बाय x अगर 1 है तो मैंने इससे कंक्लूजन निकाल के बताया था कि एक्स के क्यूब क्या होगा, माइनस 1 आएगा। ऐसे याद हम पढ़ेंगे, एक्स के क्यूब x plus 1 by x is minus 1, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, x की क्यूब इज इक्वल टू 1। कैसे निकलेगा मैं बताता हूं आपको, लेकिन मैं एक इसके बेस पे जो लास्ट क्लास में पढ़ा था इसके बेस पे क्वेश्चन कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, x की पावर 16 plus 1 by x की पावर 16, और अब देखना कि मैं 16 को x की क्यूब में ब्रेक नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अगर मैं लेता हूं x की पावर 33 तो मैं ये मुझे पता है कि 11 × 3 है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं और इसकी x की क्यूब की वैल्यू में यहां पे रख के आंसर निकाल सकता हूं, आंसर माइनस 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन 16 को तो मैं 3 के मल्टीपल में ब्रेक ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, मैं काम करता हूं इसको ऐसे लिख देता हूं, x * x टू द पावर 15 + 1 / x * x टू द पावर 15 को तो मैं ब्रेक कर सकता हूं, x * 3 टू द पावर 5 प्लस सेम है x 3 टू द पावर 5। यहां पे ऐसा हो गया, अब x क्यूब की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, x क्यूब की वैल्यू जो मैं यहां रखूंगा तो कैसा आएगा, x * माइनस 1 की पावर 5 सेम यहां पे x * माइनस 1 की पावर 5। मैंने बताया था माइनस 1 की पावर ऑड होगी तो माइनस का ऑड आएगा, यानी कि माइनस x हो जाएगा ये, और यहां पे भी माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं ऐसे माइनस कॉमन ले सकता हूँ, मैं जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी है, यानी मेरा माइनस 1 आ जाएगा। अब मैं इसका बताता हूँ प्रूफ भी, x प्लस 1 अगर माइनस 1 होता है तो x क्यूब कैसे आता है। देखिएगा मैं काम करता हूँ, आप इसे क्यूब निकाल लीजिए, x क्यूब प्लस 1 बाय x की क्यूब क्या होता है, a की क्यूब माइनस 3a। मैंने एक बात बता दी, अगर प्लस में दिया हुआ है और क्यूब पूछेगा प्लस में, बट साइन अपोजिट आएगा, क्या प्लस से प्लस ही पूछेगा बट साइन यहाँ पे अपोजिट आएगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो इसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, तब ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अब मैं ये क्यूब निकालूंगा तो इससे क्या होगा, अब मेरे पास a कितना है, माइनस 1 है, तो माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस का 3, तो ये आपका 2 आ गया, यानी कि x की क्यूब प्लस 1 में x की क्यूब इज इक्वल टू 2 आ गया। कहने का मतलब ये, अगर मैं x क्यूब को 1 मान लूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिला मुझे, x क्यूब इज इक्वल टू 1। मैंने अभी अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि इफ x प्लस 1 बाय x इज माइनस 1, तो मैंने बताया x की क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसका यूज क्वेश्चंस के अंदर कैसे होगा जरा देखते हैं। आपको बताया 33 है, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 टू द पावर 11 प्लस 1 बाय x टू द पावर 3 टू द 11। अब आप x क्यूब की वैल्यू में रख दीजिए 1 प्लस पावर 11, तो 1 प्लस 1 ही आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 2। क्यूब 6 दे रखा है यहाँ पे, x क्यूब में सब्सटीट्यूट करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x की क्यूब 2, x क्यूब की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, तो ये भी आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब आप देखिए x क्यूब को 23 को हम x क्यूब यानी कि 3 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, आप देखिएगा, आप देखिए 23 के पास कोई ऐसा मल्टीपल जो 3 का हो, 24, यानी बढ़ा के लिखना है 24 अपॉन में x प्लस x अपॉन में x की पावर 24, यानी कि अगर मैं इस x से इसको डिवाइड करूंगा तो x की पावर 23 आएगा, और इस x को x की पावर 24 से डिवाइड करूंगा तो x की पावर 2/3 आएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिएगा मैं x की पावर 24 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 3 टू द पावर 8, x की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 की पावर 8 1 ही आएगा अपॉन में x, x और 1 की पावर 8 कितना आएगा 1 ही आएगा, यानी कि मेरे पास बचा गया यहाँ पे x प्लस 1 बाय x, इसकी वैल्यू कितनी है मुझे क्वेश्चन में गिवन है, माइनस 1 आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी के बेस पे, x की पावर 16 प्लस 1 बाय x की पावर 16,
कैसे करेंगे? अब 16 को भी हम नहीं ब्रेक कर सकते तीन के मल्टीपल में, तो क्या करेंगे, x इंटू एक्स टू द पावर 15 प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स टू द पावर 15। 15 को तो ब्रेक कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x की पावर 3 टू द 5 प्लस एक्स इंटू एक्स की क्यूब 5, 3 × 5 = 15 होता है। अब देखिए x की क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि 1 की पावर 5 1 ही आएगा, 1 की पावर 5 1 ही आएगा, कहने का मतलब आपके पास जो आएगा x प्लस 1 बाय एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी की बना आपको -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब एक और न्यू कंसेप्ट या एक्सप्रेशन, इस कुछ भी कह लीजिए, पढ़ते हैं। एक एक्सप्रेशन ये होता है कि x प्लस 1 बाय एक्स अगर √3 हो तो क्या क्या इससे हम कन्क्लूजन निकाल सकते हैं। देखिएगा, कन्क्लूजन बहुत सारे निकल सकते हैं, मैं आपको प्रूव ही करके बताता हूँ डायरेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं इससे क्यूब निकालूं, 1 बाय एक्स की क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है a का क्यूब माइनस 3a, ये होता है। अब मैं बताऊँ √3 की पावर 3, यानी कि ये आएगा 3√3 माइनस 3√3, ये कितना आ गया 0, यानी कि x की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 बाय एक्स की क्यूब कैरी करके तो लेके जा सकता हूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x^6 इज इक्वल टू -1। एक कंक्लूजन तो ये निकला। एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, x^6 + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x^6 + x^0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, अगर दो टर्म में बेस सेम है और उनकी पावर का डिफरेंस 0 है तो उन दोनों टर्म्स का सम कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब दोबारा बताता हूँ, अगर दो एक्सप्रेशन का सम है जिसमें कि बेस 0 है, मतलब दो एक्सप्रेशन का सम है जिसमें कि बेस सेम है और उनकी पावर का डिफरेंस 6 है, तो उनका सम कितना आएगा, 0। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो जो कंक्लूजन निकल रहे हैं मैं उन पर सर्कल कर रहा हूँ। अब इसी से आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं, x^2 + 1/x^2 क्या आएगा, ये होता है a^2 - 2, यानी कि √3 का स्क्वायर - 2, यानी कि ये कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि x^2 + 1/x = 1 आएगा। आप इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो जो कंक्लूजन इससे निकले हैं, x + 1/x = √3, क्या क्या निकला है, एक तो ये निकला है, एक ये निकला है, एक ये निकला है और एक ये निकला है। एक और चीज़ याद रखिएगा इससे थोड़ी सी अलग है कि x + 1/x अगर माइनस का √3 हो तो भी x³ + 1/x³ 0 ही आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, ये होता है a³ - 3a, तो माइनस इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -3√3 और ये हो जाएगा +3√3, तो कैंसिल ही हो जाना, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब जब इसकी वैल्यू 0 आ गई है तो मैं इससे ये कंक्लूजन एक और निकाल सकता हूँ कि x^6 = -1, इसी की तरह सेम, ठीक है। अब इन्हीं के बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया अगर x + 1/x = √3 है और या फिर x + 1/x = -√3 है तो हम उससे ये 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 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिएगा, यहाँ पे बताया ये है x^6 की वैल्यू -1 है और अगर x^6 + 1 = 0 होगा, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ अगर दो टर्म है मेरे पास और उनमें बेस सेम है, उनकी पावर का डिफरेंस 6 है, तो उन दोनों टर्म का सम कितना आएगा, 0 आएगा। देखिएगा जरा, यहाँ पे आप जैसे देखिएगा x + 1/x = √3 दे रखा है, तो यानी कि ये मुझे दिया हुआ है। अब इससे मैं ये सारे कंक्लूजन निकाल सकता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये दो टर्म और ये वाली दो टर्म, देखिएगा यहाँ पे बेस सेम है और इनकी पावर का डिफरेंस 6 है और ये दोनों टर्म ऐड भी हो रही है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। देखिएगा, अब इन दोनों टर्म्स का जो पावर का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है,
सिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इन दोनों का सम जीरो होगा, इन दोनों का सम जीरो होगा, इन दोनों का सम जीरो होगा, इन दोनों का सम जीरो होगा। अब बचता है मेरे पास क्या, x की पावर 6 प्लस 3। अब मुझे पता है कि x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मुझे दिया है कि x की पावर 72 प्लस x की पावर 48 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 6 प्लस 4। अब मुझे पता है और क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू रूट 3 है, ठीक है ना। इन तीनों क्वेश्चन के लिए गिवन यही है, ठीक है। इस फर्स्ट तो कर लिया, अब सेकंड देखते हैं कैसे होगा। ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये सारे 6 के मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल है, यानी कि मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ, 6 के मल्टीपल है, इसका मतलब x की पावर 6 12 छिंग 72 प्लस 6 48 प्लस 6 18 प्लस x की पावर 6 प्लस 4। अब मुझे पता है x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 12 प्लस माइनस 1 की पावर 8 प्लस माइनस 1 की पावर 3 प्लस x की पावर 6 प्लस 4, सॉरी माइनस 1। देखिएगा ये आएगा, मैंने बताया था अगर माइनस 1 की पावर इवन होगी तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, यहाँ माइनस 1 की पावर इवन है फिर प्लस का 1, यहाँ माइनस 1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे माइनस 1 की पावर कितनी है तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, ऑड है तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 4। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4 ही आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं। हमने पढ़ा था अगर x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू रूट 3 है या फिर माइनस का रूट 3 है तो हम उनसे ये सब कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी देखिए हमें क्या गिवन है, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू रूट 3 है, तो मैं ऐसे कंक्लूजन निकाल सकता हूँ जो कि कितना है, x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस 1। अब मैं इस x की पावर 6 को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, लेकिन देखिए इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे, 67 के आसपास मल्टीपल देखिए 6 का कोई, तो ये हो जाएगा x इंटू x की पावर 66, 53 के आसपास 54, 54 बाय x प्लस 43 के पास x इंटू x की पावर 42 और 29 के आसपास 6 का मल्टीपल कोई 20x की पावर 30 बाय x प्लस 3। अब आप देखिए मैं इसको और ब्रेक कर सकता हूँ, 11 प्लस x की पावर 6 बटे 9 x प्लस x इंटू x की पावर 6 की पावर 7 प्लस x 6 और 5 बटे x प्लस 3। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया ताकि मैं 6 की x की पावर 6 की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। 66 है 6 छिंग 11 छिंग 66 हो गया, 54 है 9 6 निम 54 हो गया, 42 है 6 7 42 और 1 ये 43 हो जाएगा। ऐसे ही 30 29 था तो मैंने इसको 30 बाय x में कर दिया। अब आप देखिएगा x की पावर 6 की वैल्यू में रख सकता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 1। आपको ये पता होना चाहिए माइनस 1 की पावर अगर इवन आएगी तो प्लस का 1 आएगा और माइनस 1 की पावर अगर ऑड आएगी तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का x, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x। अगर मैं x की पावर 6 की वैल्यू में रख दूँ प्लस में 3, मैं ऐसे माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस प्लस 3, x प्लस सॉरी x की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट 3, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 रूट 3 प्लस 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।